उसके चमड़ी के भी रिंग में नंबर मिलते हैं और सिंह के भी रिंग में नंबर मिलते हैं, जिससे पशु चैंपियन भी हो सकता है, वो करोड़ों में चले जाता है उस टाइम जी। जैसे ब्यूटी पार्लर में औरत को चेंज कर देते हैं ना, उसी तरह मैं इनका पूरा लुक चेंज कर देता हूँ ब्यूटी। सही बात है, जिन पशुओं की कीमत यदि हजारों में होती है, लेकिन ये भाई अपनी कला से, अपने हुनर से उस पशु की कीमत को हजारों में नहीं करोड़ों में पहुंचा देते हैं। और भाई का जो हुनर है वो देखने लायक है, क्योंकि आज आपने बड़े बड़े जो चैंपियन आप देखे होंगे, उन चैंपियन के पीछे जो एक स्टोरी होती है, एक बड़ी मेहनत होती है, वो ऐसे भाई की होती है। ऐसे बहुत सारे भाई है, लेकिन इन भाई के जो अनुभव को मैंने देखा है, बड़े बड़े बुल को, यानी छोटे बुल को उन्होंने चैंपियन बनाया, और चैंपियन के पीछे इनकी कहानी बहुत बड़ी अजीब सी है। आप सोचते होंगे यार कि ये क्या कर सकते हैं चैंपियन के अंदर, लेकिन एक बहुत माइनर जो पॉइंट होते हैं उनको ठीक करके और वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो पहले हम इनके बारे में जानते हैं। तो भाई साहब आपका नाम बताइए। नमस्कार भाई साहब। हाँ, नाम क्या आपका? अजमेर कुंगड़िया। अजमेर कुमड़िया, कुमड़िया। तो आपका नाम अजमेर कैसे पड़ा, ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। रहने वाले आप हरियाणा, हरियाणा की हो, लेकिन अजमेर हो आप, कैसे? राजस्थान में अजमेर तो है, बाबा की दरगाह है। ठीक है, ये तो देखो जो माँ बाप हैं, फैमिली वाले हैं, नाम तो बच्चे का वही रखते हैं। राइट बात है। ठीक है, मेरे घर वाले ने मेरा नाम अजमेर रखा है, तो ये तो घर वाले ने रखा था अजमेर नाम। अच्छा अजमेर, चलो इसका तो सस्पेंस है नाम के अंदर, तो देखेंगे आगे स्टोरी जानेंगे इसके बारे में। लेकिन मैंने सुना है कि आप ऐसे ऐसे कई आपके लिस्ट में ऐसे बुल है जो वर्ल्ड चैंपियन, यानी अपने एशिया के चैंपियन बने हैं, और कहीं ना कहीं उसमें आपका हाथ है, यानी हाथ की सफाई का कमाल है। तो कैसे हैं? लगभग भाई साहब 99% पशु जितने मेले में आते हैं और जो ये चैंपियन बने हैं, लगभग मैंने तैयार किया इनके, इनको। हाँ, वो कैसे? जैसे ये देखो आप कितनी सॉफ्ट चमड़ी है। हाँ। इसकी एयर कटिंग मैंने की है जी। ठीक है। हाँ। इस कटिंग के भी रिंग में बहुत सारे नंबर होते हैं जी। ठीक है, सिंह देखना भाई। हाँ। ये इसकी जो माता जी थी वो गुजर गई थी, इसको 16 घंटे की छोड़ के जी। ठीक है, इसको बहुत ही मतलब जैसे बच्चे को पाड़ते हैं उस तरह पाड़ा, इसका निप्पल के साथ पाड़ के ने इसको उड़ जोड़ किया। लेकिन इसकी एज जिस टाइम 6 मंथ हो चुकी थी, उस टाइम मैंने इसका सिंग बनाना स्टार्ट किया था पहली बार। अच्छा, आपने इस जो झोटी है, अभी तो फर्स्ट टाइमर ही है, अभी इसकी डिलीवरी होगी, लेकिन कल हमने सुना है कि रिंग में 15 लाख रुपए इसकी प्राइस। 15 लाख रुपए। हाँ, 15 लाख। और आपने बचपन से इसको तैयार किया? बचपन से मैंने तैयार किया इस रिंग को। देखो कैसे रिंग बना रखा है इस सिंग को भाई, रोन एक बार दिखाओ। देखो ऐसा है कि ये आप सिंग देखिए, बिल्कुल एक गोलाई देखिए, लेकिन ये गोलाई के पीछे क्या राज है, ये सबसे बड़ा राज अजमेरा भाई साहब है, क्योंकि इनके हाथ की जो कला है वो बहुत ही अलग है। क्योंकि एक चैंपियन ऐसे नहीं बनता, उसकी हर एक छोटी छोटी जो माइनर पॉइंट होते हैं वो जजेस देखते हैं, लेकिन आप शुरू से ही यदि आप उसको तैयार करोगे और ऐसे अनुभवी आदमी के साथ यदि आप कॉन्टेक्ट में रहोगे, तो डेफिनेट है कि मैं कह रहा हूँ कि आपका जो बुल है हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में पहुँचेगा। अब ऐसे से आपने विराट बुल है, उनको भी आपने तैयार किया, तो विराट बुल की कीमत आपको पता है? 25 करोड़ जी। 25 करोड़ रुपए आंध्रा वाले ने लगाए थे जी। बिल्कुल। और ब्रांड भी है? ब्रांड तो है जी, 25 करोड़ रुपए थोड़े हैं, बोरी भर है जी। ठीक है, तो कुल मिला के आप एक जो सजाने का, संवारने का काम करते हैं। जैसे ब्यूटी पार्लर में औरत को चेंज कर देते हैं ना, उसी तरह मैं इनका पूरा लुक चेंज कर देता हूँ ब्यूटी। सही बात है, बिना कपड़े आदमी बिल्कुल कंकाल लगेगा। हाँ। और खूबसूरती नहीं, लेकिन आप बिल्कुल एक मेकअप करके, कपड़े पहना के उसको 4 चांद लगा देते हैं। बिल्कुल, 4 चांद लगा देते। तो कोई भाई यदि आपसे मिलना चाहे, कॉन्टेक्ट करना चाहे, वो कैसे होगा? तो मेरे नंबर है सर, आप नोट कर सकते हो। मेरा नंबर है 99916-066-42, दूसरा है 95-510-55000। तो किस किस पर काम करते हो, जैसे एक आप झोटी माने यानी कटड़ी या कटड़ा, तो आप किन किन चीज़ों पर काम करते हैं? जैसे गाय है, भैंस है, झोटा है, कट्टा, कटड़ी, मैं सभी का काम करता हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। और एक चीज़ मुझे ये बताओ, जैसे कोई भी बुल चैंपियन बनाना है या कटड़ी को चैंपियन बनाना है, तो कहाँ से शुरुआत करनी पड़ती है? वो देखो सबसे पहले तो उसका जो सीमन है ना, वो सीमन है एक ब्रांडेड पशु का लेके आओ। ठीक, और जो उसकी माता जी है, जिसकी जिस भी भैंस का आपने सीमन रखवाना है,
उसका भी दूध का रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। नहीं वो तो है, आप उसमें कैसे आपका हाथ कैसे रहेगा, कैसा रोल रहेगा उसके? मेरा तो ये जी मतलब 6 महीने का हो जाएगा वहाँ से मैं सिंग बनाना स्टार्ट करता हूँ। हाँ। और साल की या 8 महीने की उसकी हेयर कटिंग भी कर देते हैं, ठीक है। वहाँ से चमड़ी सॉफ्ट रहती है, उस लगातार रूटीन में ऐसे काम होता रहेगा ना तो पशु की चमड़ी भी बढ़िया रहेगी और सिंग भी बहुत अच्छा रिंग हो जाएगा, जिसके चमड़ी के भी रिंग में नंबर मिलते हैं और सिंह के भी रिंग में नंबर मिलते हैं, जिससे पशु चैंपियन भी हो सकता है, वो करोड़ों में चले जाता है उस टाइम जी। विराट बुल के अलावा और कौन कौन सी बुलों पर आपने काम किया है? जैसे अर्जुन कुंगड़ है, हाँ। उस पर मैंने काम किया है। हाँ। जो पंजाब में है मोदी लक्ष्मी डेयरी फार्म शेरबाजवाड़ा, अच्छा। उस पर भी काम किया है। बहुत सारे बुल हैं जी, किस किस का बता, लगभग सभी का ही काम करते हैं। कितने साल हो गए काम करते हुए? मेरे को जी 25वीं साल लग चुकी है। और परिवार में कितने लोग हैं जो आप जो काम कर रहे हैं आप सभी मिलकर? जैसे मेरे परिवार में 8 से 10 लोग ये काम करते हैं, लेकिन जो ब्रांड है वह तो ये तो नहीं कहना चाह रहा कि मैं हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा भाई भी है और मेरी फैमिली है जो काम करते हैं सभी, लेकिन ब्रांड में तो 1-2 ही हैं जी। तो लास्ट में एक मैसेज, किसान भाई को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं किसान भाइयों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि संघर्ष करो, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। और पशु को आज इतना मतलब पैसा जो इसमें भैंस में है इतना किसी भी चीज़ में नहीं है। बिल्कुल, भैंसों की डेयरी करो या इसको पालो, ठीक है, बच्चे तैयार करो, ऐसा कोई सा भी मतलब बैंक नहीं है जो इतनी स्पीड से और डबल 4 गुना 5 गुना कर देते हैं पैसे। बहुत बढ़िया आपने बात बोली है दोस्तों। लास्ट एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आपने दोबारा फिर रिपीट करूँगा कि चाहे भैंस हो चाहे वो पाडा हो, कहीं ना कहीं वो चैंपियन बनता है। और आपने कभी जैसे मूवी भी देखते हैं, अभी मूवी में आपने हीरो देखा होगा, हीरोइन देखी होगी, विलन देखा होगा, लेकिन राइटर नहीं देखते हैं। उसका एक जो पीछे एक टीम होती है उसको कोई नहीं देखते हैं, लेकिन पूरी टीम की मेहनत ही उस फिल्म को हिट करती है। तो ऐसा ही है कि जब बुल चैंपियन होता है उनके पीछे ऐसे भाइयों का रोल होता है। और मेरा इनको सामने लाने का मकसद ये है कि कम से कम इनसे इंस्पायर होना चाहिए, क्योंकि पूरी मेहनत एक्चुअल जो करते हैं, मैंने देखा है कि सुबह से ये कई बुलों को आप तैयार कर रहे हैं और काफ़ी टाइम भी लगता है, 4-4, 5-5 घंटे लग जाते हैं बिल्कुल तैयार करने में, उसको सजाने सरवाने में जो भी कोई कमी होती है। तो बस भाई को सपोर्ट कीजिए और एक बिल्कुल एक अच्छे धीरे दिल इंसान है। और आज हम इस मेले में 3 रोज हम रुके हैं तो भाई के सपोर्ट से, तो थैंक यू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा मिलकर आपसे।